मणिपुर की घटना को लेकर जिले में चौतरफा विरोध है। सोमवार को भारतीय सोशलिस्ट मंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजकर मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की। भारतीय सोशलिस्ट मंच के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मणिपुर राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किए जाने, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, राज्य में शांति बहाल के लिए उचित ठोस कदम उठाए जाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। ये मणिपुर की घटना को लेकर हमारा विरोध है और ये 4 मई की घटना है। 18 मई को FIR दर्ज हुई 0 नंबर क्राइम नंबर पे, लेकिन सरकार सोती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, देश स्तब्ध रह गया। हम सपने दिखा रहे थे 21वीं सदी में जाएंगे, 22वीं सदी में जाएंगे, लेकिन हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, नग्न करके परेड कराई गई है, भारत की नारी का अपमान है। 140 करोड़ जनता संसार है, ये देश सीता का है, ये देश भारत माता के नाम से जाना चाहता है, उसका अपमान हुआ है। हम मांग करते हैं राज्य सरकार इस्तीफा दे और उस जिले के कलेक्टर SP को बर्खास्त किया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं जो लोग अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके जल्द उनके त्वरित न्याय के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। मौके पर महेश कुमार सिंह चौधरी, सुरेश सिंह, नरेंद्र सिंह, साथ ही महेंद्र पाल, महेंद्र प्रताप आदि लोग मौजूद रहे।